नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए ले चलते हैं आपको मंडार के रजवाड़ी गार्डन, जहां पर राम रहीम ब्लड बैंक की तरफ से डोनेशन कैंप रखा गया है, जो राम रहीम ब्लड बैंक मंडार की ओर से रखा गया है। और ये द्वितीय ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसके मुख्य अतिथि CMHO सिरोही डॉक्टर राजेश कुमार, DYSP रेवदर नरेंद्र सिंह देवड़ा और रेवदर विधायक जगसीराम कोहली रहेंगे। उसके साथ साथ स्थानीय सरपंच परम सिंह देवड़ा, उप सरपंच देवी सिंह देवड़ा आदि के साथ कई गणमान्य नागरिक, व्यापार बंधु और रक्तदान दाता आदि उपस्थित रहे। कैंप को लेकर क्या कहा CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने और विधायक जगसीराम कोहली ने, आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। बीजेपी के युवा नेता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के खुजेमा भाई को साफा पहनाएंगे शहजाद खान भैया, जो कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इधर भैया, दर्पण सिंह जी को साफा पहनाएंगे अंजारी भाई कोले, हार पहनाएंगे दर्पण सिंह जी को वसीम भाई सोड़ा, हमारे समाज सेवी और मंडार के व्यापार बंधु और उद्योगपति शहबुद्दीन जी को साफा बनाएंगे कमलेश भाई खंडेलवाल, हार पहनाएंगे भरत भाई देवासी, सभी समाज के द्वारा ब्लड बैंक का एक विधिवत आज आपने जो शुरुआत करने जा रहे हैं, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित उप सरपंच साहब, हमारे समाज सेवी उद्योगपति शहबुद्दीन जी, हमारे बोरा साहब भाई, प्रागाराम जी पंचायत समिति सदस्य कौर साहब, अजय भाई और माताजी टेंट हाउस के भाई, हमारे रणछोड़ जी, प्रजापति जी सामने विराजमान, सभी जो इस कार्यक्रम को सफल करवाने जा रहे हैं, ऐसे हमारे सभी समाज के युवा साथियों, जो कि युवाओं ने 4 दिन पहले मुझे जानकारी दी थी कि हम ब्लड बैंक करवाना चाह रहे हैं सभी मिलकर। और मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छे पुण्य के कार्य के लिए आज इस समय के अंदर जो कई बार घटना दुर्घटना अकस्मात घटना जब हो जाती है, तब अपन जहाँ पर हॉस्पिटलों के अंदर जब जाते हैं तो कि भाई ब्लड की आवश्यकता है, तो अपन को एक थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई मैं
किस हैसियत से जब आगे के हॉस्पिटलों में या डॉक्टरों से मैं कहूँ, जैसे हम भी कहते हैं तो एक जैसे ही आज मंडार ने युवाओं द्वारा जो मंडार में जो एक ब्लड बैंक का जो शिविर जो उसमें बढ़ चढ़ कर मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी संख्या में सामने जो हॉल के अंदर भी काफ़ी विराजमान है, सामने भी विराजमान है, और उनके लिए युवाओं के लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसे अच्छे पुण्य कार्य करने के लिए आप हमेशा अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़े, सेवा के भाव को सेवा के भाव से समझे। और मंडार ग्रामवासियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन युवाओं के हौसला बुलंद करने के लिए आप भी उनके सहयोग में जुड़े और अच्छा काम करने के लिए, उनको हौसला बुलंद करने के लिए इस कार्यक्रम में जो आप पधारे हैं, आप सबको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं आज इस अवसर पर आज एक भंडार से भी, हालांकि पहले भी कई बार शिविर जो हुए हैं, आज नए सिरे से जो एक शुरुआत जो हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आज भंडार में हुए कुछ दिनों बाद में फिर अपन रेवदर में भी करवाएं, और आने वाले समय के अंदर इस ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए आप अपने एक दूसरे का सहयोग के अंदर काम करें और सहयोग करें। मुझे आज के इस ब्लड कैंप में मैं समझ रहा था कि भी मुझे यहाँ पर मंच की आवश्यकता नहीं है, अपन तो क्या है कि सीधे सीधे मैं आप युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप इस सेवा के भाव को सेवा के रूप में जो काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे हमारा मान सम्मान और माला और ये छापा जो बंधवाए हैं, तो इससे वो मैं क्या कि ये छापे और माले के लायक जो वाकई में जो आप जो ये आज ब्लड जो डोनेट जो कर रहे हैं वो उनके भागीदारी है। मैं उनके तहे दिल से हम आप सबकी ओर से मैं इन युवाओं का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा कि आप अच्छे कार्य करने के लिए जो आप आगे कदम बढ़ाए हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप उन्नति करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार हाँ, रखना।
एक बार ऐसा आप आ जाइए। वैसे मिलते मिलते आप आ जाइए। ये सेवा भी करता है और मंदिर का धुरंधर खिलाड़ी साथ में है CMHO डॉक्टर राजेश जी। हम बात करेंगे कैंप को लेकर, सब बताइए। तो देखिए इस समय जो भंडार में युवाओं से मिलकर भाई और उनकी पूरी टीम ने कैंप आज आयोजित किया है, बहुत ही अच्छी पहल है। लास्ट टाइम भी इन्होंने किया था और लगातार जब इनके काम नहीं किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन से अच्छी कोई चीज़ हो रही है। जहाँ तक 100 यूनिट का जो टारगेट है मिलेगा पूरा, क्योंकि पूरे युवाओं में जो दोस्त ठीक रहा है भंडार में, निश्चित रूप से 100 यूनिट हो जाएंगे। अगर कोई भी आदमी ब्लड डोनेट करता है पूरी तो उसके खून से अगर किसी की जान बचती है, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई जान हो सकता है। तो पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ब्लड डोनेट करते हैं उनको ये अपना ब्लड डोनेशन गिफ्ट देते हैं तो 6 महीने में तो चली जाती है, किसी को मेडिकेटेड हो जाए सर, मतलब किसी का कुछ हो जाता है उसमें एक्सीडेंटल दे दे बॉडी के 6 पार्ट्स है, जो हाथ दो पाँव दो हाथ, वो 6 अंग में से बोलते हैं वो परमानेंट डिसेबल है। अगर वो 6 में से 2 अंग परमानेंट डिसेबल में होता है, 1 अंग उसकी प्रसन्नता ही जाती है, मेडिकल एक्सपेंस कम नहीं होगा। अरे इनके हाथों से वितरण करवा दो तो थोड़ा सही आएगा। अरे फ्रूटी दूसरी थी वो कहाँ गई? ला भैया दे दो। अरे हाथों से बात करते हैं ना यार। फ्रूट फ्रूट बोलिए। ना नहीं पहले यार पहले वो 20 बोल दो। ठीक ला भी हो गया। ठीक है कांस्टेबल है और यही जजवा है। ठीक है भाई सुबह ना पाए सर तो सीरिंज लगाने दो दे अब एक हाथी लो और
हमारे साथ में है रेवदा विधायक जगसी राम गोली। आप ब्लड बैंक में है, उसके बारे में जरा थोड़ा युवाओं को दे जाना कुछ। आज मंडार के युवाओं द्वारा उनके विभिन्न संगठनों ने मिलकर जो ये ब्लड बैंक जो डोनेट का जो ये कार्यक्रम जो किया है, उसमें आप स्वयं खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों ने, युवाओं ने आज ब्लड बैंक का जो ये शिविर जो आयोजित करवाया, मैंने अभी मंच के माध्यम से भी धन्यवाद दिया है। और वैसे ये पुलिस विभाग के भी जवान जो है अपने बीच में जो सामने जो खड़े हैं, ऐसे ऐसे अनेकों साथियों ने आज जो हिम्मत करके आगे सबने कदम जो बढ़ाए हैं, मैं इनके लिए और इनको प्रेरित आगे करने के लिए भी इनको कहना चाहूँगा कि आप अपने आप मंडार पूरे ब्लॉक के अंदर युवाओं को एक ब्लड जो एक बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा के अंदर ब्लड जो दिया देते हैं उसमें देने से कोई कमी नहीं होती है, उसके भविष्य के लिए और अगले वाले को जो जान जब खतरे में होती है, जब लगता है उनको महसूस होता है कि भाई ब्लड क्या महत्व रखता है और इस महत्व को समझने के लिए घटना दुर्घटना होती है तो काफ़ी कठिनाई हो जाती है, तब ये ब्लड इधर उधर जाना पड़ता है। तो आज भंडार की जो युवा शिविर में जो भाग लिया है, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि ऐसे सेवाओं के अंदर आप बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे। ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। अरे वो ना वो नो तो मीन ये नो तो सेकंड बाबरी हम लोगों पे बस। आप क्या नाम है आपका? हीराराम। कहाँ से आए आप? सोरठा से। ये ब्लड बैंक कैंप है तो यहाँ पर क्यों आए थे आप? खून दिवाया था तो फिर क्यों नहीं लिया इन्होंने? थोड़ा सा बीमार हो इसलिए नहीं लिया इन्होंने। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग हैं, उनका जज्बा कि वो खुद भी खून देने के लिए आए हुए हैं। चश्मा और अब फास्ट ऊपर मारे कौन है कौन है कितु स्टिकर क्यों निकल रहा है? क्या हुआ? स्टिकर क्यों निकल रहा है? ये स्टिकर दो स्टिकर है तो इसमें इस पर लगा होगा, ये बैग कम उसका वैरायटी कम होगा, ये 5 दिन में खत्म हो जाएगी और ये ज़्यादा रहेगी। अच्छा, इससे ये तो 5 दिन में खुल जाएगा। अच्छा।
हमारे मैं भूमि बड़ी मैनेजर में ऐसे मैनेजर काम कर रहा हूँ 3 साल से। यहाँ पर हम राम रहीम ब्लड ऑर्डर से कैंप में आए हुए हैं भंडार में। यहाँ पर जो भी ब्लड देगा उनको हम 1 साल के लिए, अगर कभी भी ब्लड लेने आता है आधी रात को भी, तो उसको इमरजेंसी में ब्लड मिल जाएगा, चाहे लीवर पेशेंट हो, अकस्मात हो या कोई भी पेशेंट हो, ब्लड मिल जाएगा। ये सारा ब्लड हम यहाँ से अच्छी तरह से कलेक्ट करके ले जाएंगे। हमारे पास इनका एक ब्लड में से 3 बैग ब्लड होगी, प्लाज्मा, पीसीवी और प्लेटलेट काउंट। तो 3 पेशेंट को, एक बंदा 3 पेशेंट को जान बचा सकता है अलग 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 से। और यहाँ पर जितना ब्लड होगा उसमें से 10% ब्लड ऐसा जाएगा जो थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से उनको ब्लड की कमी होती है, ब्लड बनता नहीं है, उनको हर महीने ब्लड चलाना जरूरी होता है, डायलिसिस वालों, एक जन्म से होता है, तो उनको हम हर महीने फ्री में ब्लड दे रहे हैं। उनके पास से कुछ पैसा नहीं ले रहे, कुछ जमा वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, सारा बच्चों को लिए जाता है। और मंडा से जब भी ब्लड लेने आएगा तो हम निंदा कई आधी रात को आए, दिन में आए, जब भी ब्लड दे देंगे। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा कैंप जा रहा है, अभी 50 से भी ज़्यादा बॉर्डर हो चुकी है और अभी भी ब्लड देने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। गरीब इंसान ऐसा नहीं, तीनों बता ताकि मेरे को समझ नहीं, क्योंकि तीनों है ना, एक तीनों बैग ऊपर करना, एक ही आता है लेकिन तीनों बैग बताओ मेरे को, मेरे को अलग से। हाँ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।